नमस्कार साथियों, तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि कैसे आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करके उसे मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर होती क्या है। सो एक फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि एक वित्तीय योजना एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें आप सबसे पहले आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को यानी गोल्स को पहचानते हैं और फिर उसे प्राप्त करने के लिए यानी उसे अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को रेगुलर बेसिस पर आप उसका एनालिसिस करते हैं यानी उसकी समीक्षा करते हैं। सो अब सवाल ये है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे पहचाने, क्योंकि आप उन्हें तभी अचीव कर सकते हैं जब आपको उनके बारे में क्लैरिटी हो। और ये गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चों के एजुकेशन, आपको नया घर खरीदना है, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई, या फिर आपको कहीं हॉलीडे पर जाना है। सो पहले आप अपने सभी गोल्स को स्पष्ट रूप से लिखें और फिर उनकी एक प्राथमिकता तय करें, उनकी एक प्रायोरिटी सेट करें कि आपको कौन सा गोल कब अचीव करना है। अब जब आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है तो अब बारी आती है बजट बनाने की। बजट बनाने से आप अपने अर्निंग्स और अपने खर्चों का सही सही हिसाब रख सकते हैं। सो आप अपने मंथली अर्निंग्स और जरूरी खर्चों को पहले लिखें और फिर देखें कि आप कहां कहां पर बचत कर सकते हैं। बजट बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है इन्वेस्ट करना। तो ये हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा ग्रो होता है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्यों को अपने गोल्स को कम समय में भी अचीव कर सकते हैं। सो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पीएफ हो गया या फिर एफडी। इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए और समझदारी के साथ में निवेश कीजिए। अब चूंकि निवेश के साथ में रिस्क भी आता है, तो जब हम निवेश करते हैं तो हमारे लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवेश को कैसे सुरक्षित करें। सो इसके लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध है, जैसे कि इंश्योरेंस करवाना अपने इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को एक जगह पर न लगाकर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न हमें अच्छे मिले। इसके अलावा एक सही प्लानिंग के साथ में निवेश करना भी बहुत जरूरी होता है। अब चूंकि निवेश बाजार जोखिमों से भरा होता है, तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जहां पर आपको कुछ समझ में न आए और आप बहुत परेशान हो जाए, तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए जो आपकी मदद करेगा आपको आपके लिए सही रणनीति बनाने में और आपको एक सही डायरेक्शन देगा जहां से आप अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में यही तक, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।